नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर जिले के डबरा में 25 अप्रैल की रात मुनीम पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुनीम मदनलाल पाराशर पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को डबरा पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। मुनीम पर फायरिंग करने की घटना का मास्टरमाइंड नाबालिग आरोपी है। वही रेकी करने वाले दो आरोपी मिलकर कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल नाबालिग की मुनीम से पुरानी रंजिश थी, इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। ये 25 अप्रैल को रात में एक घटना हुई थी, इसमें एक फरियादी को गोली मारी गई थी जो मुनीम था। शहर डबरा में उसके लिए थोड़ा सा दहशत का वातावरण बना था, तो इस पर तत्काल 307 पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें क्राइम ब्रांच और ग्रामीण एडिशन्स भी दोनों ने मिलकर अपनी टीमें इसमें लगाई थी एक साथ। उसमें हमको सफलता मिली है जब उसमें बहुत बारीकी से पूछताछ करने पे एक व्यक्ति का नाम पता लगा और संदिग्ध अवस्था में वो मिला, तो उसने बताया कि वो व्यक्ति वहीं पर दुकान पे ही फरियादी के साथ काम करता था और फरियादी उसको बोलने चालने में अपमानित करता रहता था। उसके मन में बड़ी चाह थी कि मैं आतंक करूँ, थोड़ा सा मेरा नाम हो। इसके चक्कर में वो उसने अपनी टीम बनाई और उस व्यक्ति के पीछे, मुनीम के पीछे ही आदमी लगा दिया। जब वो निकला वहाँ पे तो तीन लोगों के साथ वो मोटरसाइकिल से जाकर उसने फायर किया, जिससे उसको गोली लगी थी। उससे जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है, दो राउंड हैं, वो जब्त कर लिए गए हैं और उसके साथियों, दो साथियों को और पकड़ लिया गया है जो साथ में इस वारदात करने के लिए गए थे। मोटरसाइकिल जो थी वो भी जब्त की गई है और उस पर बाकी दो साथी जो इनको रेकी किया था उनको भी पकड़ लिया। ओवरऑल 5 हैं जिनमें से 3 गिरफ्तार कर। अभी फिलहाल इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, इनमें से एक भिंड का रहने वाला है, तो उसकी भी तस्दीक कर रहे हैं और फिर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।